उड़ीसा एक ऐसा स्टेट जिसे हम ट्रैवल के मामले में इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन एक्चुअल में स्टेट टूरिस्ट प्लेसेस से भरा हुआ है। उड़ीसा की कल्चरल हेरिटेज, रिच हिस्ट्री और अमेजिंग आर्किटेक्चर यहाँ की सबसे मेन हाईलाइट है। उड़ीसा के फेमस टेम्पल सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट को यहाँ अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ के कुछ फेमस टेम्पल जैसे कि जगन्नाथ टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल और भी कई टेम्पल्स हैं जो कि अपने आर्किटेक्चर और हिस्ट्री की वजह से काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। उड़ीसा की हिस्ट्री सिर्फ यहाँ के टेम्पल्स तक ही नहीं बल्कि यहाँ की केव्स, फॉरेस्ट, वाटरफॉल, रिवर और सीरीन बीचेस से भी एक्सप्लोर की जा सकती है। तो आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे उड़ीसा की टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस जो कि आपको अपनी अगली उड़ीसा की ट्रिप में ज़रूर ऐड करनी चाहिए। नंबर 10, चांदीपुर। उड़ीसा के बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में स्थित चांदीपुर में आपको इंडिया के सबसे यूनिक बीचेस देखने को मिलेंगे। अपने येलो सैंड बीच, ब्लू वाटर्स और स्टनिंग सनसेट व्यूज की वजह से चांदीपुर उड़ीसा की वन ऑफ द बेस्ट बीच सिटीज में से एक है। चांदीपुर बीच को वैनिशिंग सी या हाइड एंड सीक बीच के नाम से भी जाना जाता है और इस बीच की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ रोज लो टाइड्स के दौरान समुद्र का पानी 5-6 किलोमीटर तक अंदर चला जाता है जिससे यहाँ का सी फ्लोर क्लियरली विजिबल होता है और आप इस सी फ्लोर पे वॉक भी कर सकते हैं। यहाँ हर साल जनवरी में चांदीपुर बीच फेस्टिवल होता है जहाँ लोकल आर्टिस्ट द्वारा कल्चरल परफॉर्मेंस, डांस शोज, वाटर स्पोर्ट्स और DRDO द्वारा एग्जिबिट्स भी होते हैं और ये टाइम चांदीपुर विजिट करने का बेस्ट टाइम होता है। नंबर 9, ब्रह्मपुर। उड़ीसा की ये कोस्टल सिटी ब्रह्मपुर अबोर्ड ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा के नाम से भी फेमस है। ये शहर अपने ओल्ड वर्ल्ड चार्म और रिलीजियस अट्रैक्शन की वजह से भी फेमस है और यहाँ आकर आप काफ़ी सारे पुराने मंदिर में भी विजिट कर सकते हैं। ब्रह्मपुर को सिटी ऑफ सिल्क के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ आपको काफ़ी सारी सिल्क, हैंडलूम और ज्वेलरी शोरूम देखने को मिलेंगे। इस शहर में काफ़ी सारे ट्रैंक्विल बीचेस भी हैं जो कि नेचर लवर्स के लिए एक परफेक्ट एस्केप है। ब्रह्मपुर आकर आप यहाँ की सबसे फेमस प्लेसेस जैसे कि गोपालपुरा बीच, दाबलेश्वर टेम्पल एंड बीच, श्री श्री सिद्धि विनायक पीठ, पोतागढ़, तारा तारिणी टेम्पल, पंचनामा और भी कई एक्साइटिंग जगहों पर विजिट कर सकते हैं। नंबर 8, पैरादीप। पैरादीप इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट और इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स में से एक है और ब्रिटिश रूल के टाइम पे इस पोर्ट का सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। पैरादीप नेचर लवर्स के लिए एक बहुत ही आइसोलेटेड डेस्टिनेशन है जहां आपको सीरीन बीचेस, डेंस फॉरेस्ट, वाटरफॉल, फोर्ट्स और एंशियंट टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। पैरादीप आकर आपको यहाँ का मेन पोर्ट एरिया ज़रूर विजिट करना चाहिए जिसे पूरे ईस्ट इंडियन कोस्टलाइन का सबसे सीनिक एरिया माना जाता है। इसके अलावा आप यहाँ गहीरमठ बीच, महानदी रिवर एस्चुरी, पैरादीप सी बीच, मरीन एक्वेरियम, भीतरकनिका नेशनल पार्क और सनसेट व्यूज़ के लिए पैरादीप लाइट हाउस पर भी विजिट कर सकते हैं। नंबर 7, जयपुर। जयपुर उड़ीसा की एक हिस्टोरिकल सिटी है जिसे सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इस सिटी में काफ़ी सारी डायनेस्टी के एम्पायर रहे हैं और इसीलिए यहाँ का कल्चर और आर्किटेक्चर काफ़ी यूनिक है। जयपुर एक गिफ्टेड सिटी है जो कि अपने डेंस फॉरेस्ट, मिस्टी वैलीज, सीनिक वाटरफॉल, रिच लैंडस्केप, लाइमस्टोन केव्स, एंशियंट टेम्पल्स, पैलेसेस और एज ओल्ड ब्रिजेस की वजह से काफ़ी टूरिस्ट को यहाँ अट्रैक्ट करती है। जयपुर का राजमहल एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो कि अपने आर्किटेक्चर से यहाँ की ग्लोरियस हिस्ट्री को बयां करता है। इसके अलावा यहाँ एक ब्रिटिश एरा का आयरन ब्रिज भी है जो कि रांची और विजयवाड़ा कॉरिडोर को कनेक्ट करता है। जयपुर का आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ गुप्तेश्वर केव्स भी हैं जो कि डेंस फॉरेस्ट में बनी एंशियंट केव्स है और इन केव्स में भगवान शिव को समर्पित एक हिडन टेम्पल भी है जहाँ आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ काफ़ी सारी हिडन वाटरफॉल और कोलैब बोटेनिकल गार्डन में भी विजिट कर सकते हैं। नंबर 6, चिलिका लेक। शायद आपने इस लेक का नाम ना सुना हो लेकिन ये लेक एशिया का लार्जेस्ट इंटरनल सी वाटर लेक है। चिलिका लेक नेचर लवर्स और बर्ड वॉचर्स के लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं है। चिलिका लेक में दुनिया का सबसे बेहतरीन इकोसिस्टम है और यहाँ आपको काफ़ी वाइड वैरायटी के फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेंगे। ये लेक दुनिया की सिर्फ उन दो साइट्स में से एक है जहाँ आपको एंडेंजर्ड इरावडी डॉल्फिन्स देखने को मिलेंगी। चिलिका लेक में कुछ आइलैंड्स भी हैं और कुछ आइलैंड्स जैसे कि बर्ड आइलैंड, ब्रेकफास्ट आइलैंड और हनीमून आइलैंड यहाँ के सबसे पसंदीदा आइलैंड्स हैं। इन सब सीनिक आइलैंड्स और फ्लोरा एंड फौना के अलावा यहाँ से मिलने वाला सनराइज और सनसेट का व्यू भी बहुत ही अमेजिंग होता है और उड़ीसा आकर आपको चिलिका लेक में विजिट करना बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। नंबर 5, संबलपुर। महानदी रिवर के किनारे स्थित संबलपुर इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट प्लेसेस में से एक है।
संबलपुर एक हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट प्लेस है और यहाँ की हिस्ट्री 4th century से भी ज़्यादा पुरानी है। संबलपुर अपने एंशियंट टेम्पल्स, फोर्ट्स, डेंस फॉरेस्ट, हिल्स, सीनिक वाटरफॉल और कल्चरल हेरिटेज के लिए फेमस है। यहाँ का सबसे मेन अट्रैक्शन है हीराकुंड डैम, जो कि दुनिया का सबसे लंबा अर्दन डैम है और इसी से एशिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक भी बनता है। इसके अलावा यहाँ एक लीनिंग टेम्पल ऑफ ह्यूमा भी है, जो कि भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है और ये टेम्पल 47 डिग्रीज पे टिल्टेड है और इस टिल्ट के बावजूद भी आज ये टेम्पल पूरी तरीके से फंक्शनल है। इसके अलावा आप यहाँ 16th century के समलेश्वरी टेम्पल, उषाकोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डियर पार्क, गुदगुदा वाटरफॉल और घंटेश्वरी टेम्पल में विजिट कर सकते हैं। नंबर 4, कटक। महानदी रिवर के किनारे स्थित कटक उड़ीसा का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और उड़ीसा की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। कटक की हिस्ट्री 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और आज के टाइम पे कटक इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट वेल प्लान्ड सिटीज में से एक है। कटक के डेंस फॉरेस्ट में स्थित टेम्पल्स, फोर्ट्स और लेक्स यहाँ के मेन अट्रैक्शन है। 13th century में बना 102 एकड़ में फैला कटक का बाराबती फोर्ट यहाँ एक मस्ट विजिट प्लेस है, जो कि एक एंशियंट पैलेस है और यहाँ का आर्किटेक्चर से आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होंगे। यहाँ पे एक 10th century का दाबलेश्वर आइलैंड टेम्पल भी है, जो अपने ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और सीरीन एम्बियंस की वजह से फेमस है। इसके अलावा आप यहाँ कटक चांदी टेम्पल, नेताजी बर्थ प्लेस म्यूजियम, अंशुपा लेक, बाराबती स्टेडियम और भी कई जगहों पर विजिट कर सकते हैं। कटक में उड़ीसा का वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीट फूड भी मिलता है और कटक आकर आपको यहाँ का लोकल उड़िया कुजीन भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। नंबर 3, कोणार्क। बे ऑफ बंगाल कोस्ट लाइन पर स्थित ये हिस्टोरिक टाउन कोणार्क इंडिया के इम्पोर्टेंट कल्चरल और हेरिटेज लैंडमार्क में से एक है। कोणार्क की स्पेशलिटी है यहाँ का डाइवर्स लैंडस्केप, एंशियंट टेम्पल्स, म्यूजियम, बीचेस और ईस्टर्न घाट्स के सीनिक माउंटेन्स। कोणार्क में इंडिया का सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी आर्किटेक्चर 13th century का कोणार्क सन टेम्पल है, जो कि यूनेस्को प्रोटेक्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ट्रेडिशनल कलिंगा आर्किटेक्चर से बने इस मंदिर में बहुत ही केयरफुली कार्व्ड सीनरीज हैं, जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल आर्किटेक्चर का एग्जांपल है। इसके अलावा यहाँ इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट बीच में से एक चंद्रभागा बीच भी है, जो कि अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर और सॉफ्ट सैंड के लिए फेमस है। इसके अलावा आप यहाँ अष्टरंगा बीच, ASI म्यूजियम, रामचंद्री टेम्पल, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और कोणार्क डांस फेस्टिवल में भी विजिट कर सकते हैं। नंबर 2, पुरी। इंडिया की सबसे धार्मिक जगहों में से एक पुरी अपने एंशियंट टेम्पल्स, पिलग्रिमेज साइट्स, पाम लीव्स, स्टनिंग बीचेस और काफ़ी सारी टूरिस्ट प्लेसेस के लिए फेमस है। पुरी सबसे ज़्यादा अपने जगन्नाथ टेम्पल के लिए फेमस है, जो कि एक वर्ल्ड फेमस टेम्पल है और हर साल लाखों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। पुरी इंडिया के चार धाम यात्रा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसीलिए यहाँ साल भर भक्त इन मंदिरों में दर्शन करने आते हैं। वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ टेम्पल के अलावा भी यहाँ काफ़ी हिस्टोरिक टेम्पल हैं, जैसे कि गुंडीचा टेम्पल, विमला टेम्पल, लोकनाथ टेम्पल, पंचतीर्थ और भी बहुत कुछ। इन धार्मिक जगहों के अलावा पुरी अपने क्लीन बीचेस के लिए भी फेमस है और इन डाइवर्सिटी की वजह से कम एक बार तो यहाँ विजिट ज़रूर करना चाहिए। नंबर 1, भुवनेश्वर। सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से फेमस उड़ीसा की ये कैपिटल सिटी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ में से एक है। भुवनेश्वर को यहाँ की रिच हिस्ट्री और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है। भुवनेश्वर में कुछ ऐसे टाइमलेस आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स हैं, जो कि 3000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। यहाँ के कलरफुल टेम्पल्स, डैम्स, सीरीन पार्क्स, एंशियंट केव्स, लेक और रिनाउड म्यूजियम इस शहर को 4 चांद लगा देते हैं। भुवनेश्वर में कई इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स भी हैं, जैसे कि परशुरामेश्वरा टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, पीस पगोड़ा, राजा रानी टेम्पल, अनंत वासुदेव टेम्पल और इस्कॉन टेम्पल। नेचर लवर्स के लिए भी यहाँ काफ़ी सारी अट्रैक्शंस हैं, जैसे कि उदयगिरी एंड खंदागिरी, अशोका रॉक एडिट, उड़ीसा स्टेट म्यूजियम, इंदिरा गांधी पार्क, बिंदु सागर, अतरी और भी बहुत कुछ। और इन सब के अलावा भुवनेश्वर एक बहुत ही फास्ट डेवलपिंग सिटी भी है और इसी मॉडर्निटी और हिस्ट्री के मिक्सचर की वजह से भुवनेश्वर मेरी पर्सनल फेवरेट सिटीज़ में से भी एक है और आपको जब भी मौका मिले आपको इस शहर में ज़रूर विजिट करना चाहिए। उड़ीसा में बेसिकली वो सब कुछ है जो कि एक टूरिस्ट को चाहिए होता है। सीनिक बीचेस से लेकर एंशियंट टेम्पल्स, हिडन वाटरफॉल से लेकर एंशियंट केव्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से लेकर माउथ वाटरिंग उड़िया कुजीन और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी ज़्यादा लोग इंडिया के इस एक्सेप्शनल स्टेट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन दबाना ना भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल दैट टाइम गुड बाय।